back to my channel Indian Vagar Chai. I hope you all are doing it. So guys, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो साड़ी हॉल में मीशो से फर्स्ट टाइम साड़ी परचेज करी हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। और हाँ, मीशो का कोई लिंक नहीं होता है, मीशो का कोड होता है। तो जो भी कोई साड़ी में परचेज करी हूँ ना, उसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जरूर चेक कर देना। जो भी कोई पसंद आएगा तो आप मीशो पे जाके वो कोड डालोगे और सर्च करोगे तो प्रोडक्ट सेम टू सेम आ जाएगा। और हाँ, जितनी भी साड़ी परचेज करी हूँ ना, सभी रीजनेबल रेट भी मैं सोच चुकी हूँ ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। और हाँ, आप लोग जो भी इस चैनल पे न्यू है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और साइड में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना वीडियो अपलोड करूँ ना, उस सबका नोटिफिकेशन आप लोग को इजिली मिले और आप लोग मेरी वीडियो को इजिली वॉच कर सके। और हाँ, आप लोगों से जो मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगी, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, जितनी भी साड़ी मैं परचेज करी हूँ ना, वो खुद के पैसे से परचेज करी, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। तो चलिए, बिना बात किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे फर्स्ट साड़ी जो है मेरी, ये चंदेरी सिल्क साड़ी है, जो बहुत ही खूबसूरत सी कॉम्बिनेशन में है, येलो एंड रेड कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और इसे ना आप बहुत सारे यूट्यूबर को भी पहने हुए देखे होंगे, तो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे भी येलो कलर पसंद आया, बाकी बहुत सारे इसमें कलर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके की साड़ी है, और बहुत सारे यूट्यूबर पहनी है तो मुझे भी लगा कि मैं भी परचेज करूँ, इसलिए मैं परचेज करती हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत है, मुझे भी ना इसका रिव्यू भी अच्छा लगा, और जो रिव्यू मैं देखी और जो मुझे मटेरियल शो किया, मतलब वहाँ मीशो पे दिखा, सेम मटेरियल मुझे ये रिसीव हुआ है। कोई ये नहीं है कि सेम मटेरियल नहीं है, चाहे डिफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे सेम टू सेम और बहुत ही अच्छा मटेरियल रिसीव हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है येलो एंड रेड में। तो मुझे ना ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, देखो इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके का बॉर्डर है, पीकॉक बने हुए हैं ये, गोल्डन एंड मल्टी कलर में ये पीकॉक बने हुए हैं, सभी थ्रेड वर्क है एंड मशीन वर्क है, ये बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन भी लग रहा है। तो काफी खूबसूरत सी साड़ी है, मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है, जैसे चंदेरी का मटेरियल होता है, चंदेरी का तो बात ही मतलब अलग है, तो चंदेरी का मेटेरियल तो पता ही है। तो बहुत ही सॉफ्ट सी साड़ी है, और प्लेट भी बहुत अच्छा बैठता है इसका, और जो इसमें है ना, इसमें कुछ इस तरीके का बूटी किया हुआ है, ये देखो पूरा ये बूटी जो है ना पूरा ही है, ये भी गोल्डन और मल्टी कलर प्लेट में है। तो मेटेरियल काफी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा सा मेटेरियल है, और बॉर्डर तो मैं दिखाई नहीं हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है बॉर्डर, पीकॉक डिजाइन है तो पीकॉक डिजाइन। और मैं एक दो यूट्यूबर का नेम भी देना चाहूंगी, सॉरी कि अब मैं परमिशन ली नहीं हूँ, तो कॉमल सोनी है वो, और फिर धरक शरीता, ये सब पहनी थी ये साड़ी, तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैं सोचा चलो मैं भी लेती हूँ ये साड़ी, और मटेरियल काफी अच्छा है इसका। और इसका जो पल्लू है ना, और इसका जो प्राइस है ना 412 है, तो प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा से, तो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा मटेरियल है ये। तो आप लोग भी अगर इस साड़ी को परचेज करना चाहते हो ना, तो परचेज कर सकते हो, और इसे ना आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हो, काफी खूबसूरत सी साड़ी है ये, कहीं पार्टी वार्टी में जाओ तभी आप पहन सकते हो, पूजा समय भी सब में कहीं भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छी साड़ी है। इसका जो पल्लू है कुछ इस तरीके का पल्लू है, पीकॉक बने हुए हैं, काफी खूबसूरत सी लगती है साड़ी। इसका कलर भी है ना बहुत ही अच्छा सा येलो है, ये बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएंगे, जो कलर पसंद है आप ले सकते हो, मुझे तो येलो पसंद है इसलिए मैं येलो ली हूँ, मैक्सिमम जो मैं परचेज करी हूँ ना येलो में ही परचेज करी हूँ। और ये 5.5 मीटर की साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है ये, मैं पूरा खोला नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से फोल्ड किया हुआ है ये साड़ी, तो मटेरियल बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसे ले सकते हो। और इसके साथ जो मुझे ब्लाउज पीस मिला है वो रेड कलर में, ये ब्लाउज पीस है, पूरा ही प्लेन है ये रेड कलर में, काफी खूबसूरत इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, ये देखो रेड और येलो, तो आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो, हल्दी ब्याह कहीं भी, सरस्वती पूजा, मतलब येलो ना हर बोलते ना ऑल टाइम हिट होता है, कहीं भी इसे पहन सकते हो, कि कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। 80 सेंटीमीटर ये ब्लाउज पीस है, तो काफी खूबसूरत लगा मुझे।
देन मेरी सेकेंड साड़ी है ना, वो जो साड़ी है ना चंदेरी कॉटन में है, इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बट मैं इसे जो ऑर्डर करी थी ना सेम टू सेम मुझे नहीं मिला। मैं कैरेट कलर का ऑर्डर करी थी बट मुझे ना ये ऑरेंज कलर में रिसीव हुआ है। बाकी साड़ी बहुत ही अच्छी सी साड़ी है और इसका जो प्राइस है 509, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। मुझे भी साड़ी बहुत पसंद आई बट ये कलर में पहनती नहीं, इसलिए कलर के लिए मुझे थोड़ा सा हो गया, तो कैरेट कलर रहता है तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है ये साड़ी। तो इसका बेस जो है ना कुछ इस तरीके का बेस है, प्लेन बेस है और ये बूटी किया हुआ है जो थ्रेड का बूटी है, और ये मल्टी कलर में बूटी है, रेड ऑरेंज ग्रीन सब मल्टी कलर में ये बूटी है। तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी ये भी है, मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, प्लेट भी बहुत अच्छे बैठते हैं इसके। इसका जो बॉर्डर है कुछ इस तरीके का बॉर्डर है, पीकॉक बने हुए हैं मल्टी कलर में एंड गोल्डन कलर में, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी लगती है। इसे भी आप ना किसी भी ओकेजन में पहन सकते हो। और इसका जो ये है ना पल्लू, इसका पल्लू कुछ इस तरीके का प्लेन पल्लू है, अपने पल्लू में ना कुछ नहीं है, बस टैसल लगे हुए हैं रेड कलर में। तो ये भी 5.5 मीटर की साड़ी है और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी लगी मुझे ये भी, बट जो कलर है ना वो मुझे पसंद नहीं आया। इसमें भी ना बहुत सारे कलर हैं, आपको जो कलर पसंद है ना आप ले सकते हो, बट मैं ऑर्डर करी थी कैरेट कलर और मुझे रिसीव हुआ ऑरेंज कलर, इसमें थोड़ा सा मुझे हो गया है, बट जो शो किया था ना सेम टू सेम साड़ी है, इसमें कोई डिफरेंट मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें काफी सॉफ्ट सी साड़ी है। इसके साथ जो मुझे ब्लाउज पीस मिला ना, ब्लाउज पीस मिला ये भी रेड कलर में ही है, सेम टू सेम ब्लाउज पीस है ये भी, जो उस साड़ी का ब्लाउज पीस था इसका भी सेम ब्लाउज पीस है, ये भी 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस है, ये भी प्लेन ब्लाउज पीस है, मटेरियल इसका भी अच्छा है, बस इसमें लाइनिंग लगेगी। तो सेकेंड साड़ी मुझे अच्छी लगी बट उसका कलर जो मैं ऑर्डर करी थी वो कलर नहीं आया। साड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, ये भी अगेन में जो गोल्डन येलो होता है ना वो येलो कलर में इसको ऑर्डर करी हूँ, और इसमें भी ना आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, बट मुझे ना ये कलर बहुत अच्छा लगा, फेवरेट है मेरी, येलो रेड ब्लैक ये सब कलर है मेरी फेवरेट है, तो मैं इस बार ना गोल्डन येलो ऑर्डर करी, ये बहुत ही अच्छी सी येलो है, देखो दिखाती हूँ आप लोगों को, काफी खूबसूरत सी साड़ी है ये, प्योर कॉटन तो नहीं है थोड़ा सा मिक्स है बट काफी अच्छी साड़ी है ये। ये देखो बॉर्डर जो है गोल्डन में बॉर्डर है और ये गोल्डन येलो है, तो काफी अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन, बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। इसे ना आप सिल्क कॉटन बोल सकते हो क्योंकि ना साइनिंग भी है इसमें, उसमें तो कॉटन लिखा हुआ था बट कॉटन है नहीं, ये सिल्क कॉटन है क्योंकि थोड़ा सा ना ये मिक्स है, ये देखो साइनिंग काफी है इसमें, इसे भी ना आप किसी भी ओकेजन में पहन सकते हो, काफी सुपर और एलिगेंट लुक आएगा इसका, और ये बेस जो है ना पूरा ही प्लेन है इसका, कहीं कुछ नहीं है, तो मुझे साड़ी बहुत ही खूबसूरत चीज लगी, और इसके ऊपर का जो बॉर्डर है ना सेम है ये। देन इसका जो इसमें इतना अच्छा से तय किया हुआ है ना कि खोलने का बिल्कुल मन ही नहीं करते रहता है मुझे कोई भी साड़ी, और इसका जो ये है ना पल्लू कुछ इस तरीके का पल्लू है ये गोल्डन ने पूरा ये लाइनिंग किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम परचेज करी बट मुझे जितने सारे प्रोडक्ट है ना अच्छे रिसीव हुए हैं, बट एक में मुझे कलर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो सारे जो भी सो किया है ना जो दिखाया है सो किया है वही मिला है मुझे, काफी अच्छा लगता है इसका पल्लू भी, और ये भी 5.5 मीटर की साड़ी है, इसका प्लेट्स ना बहुत ही अच्छा बैठता है, मटेरियल काफी सॉफ्ट है, साइनिंग भी बहुत ही है इसमें, इस साड़ी को भी हम कहीं भी पहन सकते हैं, और इसके साथ जो ब्लाउज पीस दिया है कुछ इस तरीके का ब्लाउज पीस है ये, इस ब्लाउज पीस को ना आप मतलब इस ब्लाउज को जो अच्छे से स्टाइल करके बनाओ ना तो किसी के साथ भी ये ब्लाउज चलेगा, पूरा लाइनिंग लाइनिंग दिया हुआ है, ये बॉर्डर है और ये बैक का बॉर्डर है, बॉर्डर दोनों में सेम ही है, बैक पे और बाजू पे सेम ही बॉर्डर है, काफी खूबसूरत सी ब्लाउज पीस भी है इसकी। Thank you.
रीजनेबल रेट में ना हमें इतनी खूबसूरत सी साड़ी मिल जाती है। तो मीशो का ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्राइस होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। जितने सारे जो आप परचेज करते हो ना, जैसे मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, उस सबसे ना प्राइस काफ़ी लो होता है मीशो का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये टोटल मिला कि मैं 3 साड़ी परचेज करी हूँ मीशो से, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। बट जो मटेरियल मुझे रिसीव हुआ है ना, सबके बहुत अच्छे मटेरियल रिसीव हुए हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है मीशो से, मैं आगे भी इससे परचेज करूँ। तो टोटल मिला कि ये 3 साड़ी परचेज करी और मुझे बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है। बट एक जो था ना, इसके कलर के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो टोटल मिला कि मेरी मीशो की परचेज फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी रही, तो मैं आगे भी मीशो से परचेज करूँगी। तो आप लोगों को कौन सी साड़ी कैसी लगी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी या पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब शेयर तो फ्री है, वो तो करके ही रखना। तो चलिए, इस वीडियो को मैं अब यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।